नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा और करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द मिलेगा 2 माह की सैलरी। जल्द राशि जारी करेगा विभाग। पटना जिले में आज से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत। 23 से 25 सितंबर तक बनाए जाएंगे कार्ड। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दिया निर्देश। बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों में फसल क्षति का होगा आकलन। कृषि विभाग ने 24 घंटे के भीतर मांगी रिपोर्ट। कृषि विभाग के कर्मियों की छुट्टी भी हुई रद्द। और जमीन सर्वे पर बोले मंत्री दिलीप जायसवाल, सर्वे प्रक्रिया रुकी नहीं, लगातार जारी रहेगी। कहा, हमने सभी विभागों से किया है विचार विमर्श। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बदलाव। अंक तालिका में टीम इंडिया पहले नंबर पर, श्रीलंका की टीम तीसरे नंबर पर पहुंची। अब खबरें विस्तार से। राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने जुलाई और अगस्त के वेतन एवं पेंशन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद जल्द ही जारी किया जाएगा। हालांकि इस राशि के जारी होने के लिए विश्वविद्यालयों को कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट और आंकड़े समय पर प्रदान करने की शर्त रखी गई है। पिछले कुछ महीनों से विश्वविद्यालयों ने रिपोर्ट में 100% सहयोग नहीं किया, जिसके चलते वेतन और पेंशन की राशि रोकी गई थी। बता दें कि विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5100 करोड़ का बजट पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। इसी बजट से चरणवार राशि का वितरण किया जाएगा। यदि विश्वविद्यालयों ने निर्धारित समय पर सभी आवश्यक रिपोर्ट नहीं भेजी तो शिक्षा विभाग भविष्य में अन्य निर्णय ले सकता है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अगर कर्मियों को हर महीने निशुल्क बिजली की सुविधा का लाभ उठाना है तो उन्हें अपने स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होगा। कंपनी के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ये निर्णय स्मार्ट मीटर के उपयोग को बढ़ावा देने और जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस आदेश से लगभग 8000 कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा। कंपनी ने बताया कि राज्य में अब तक 50 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर समय समय पर उठने वाले सवालों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। बीते दिन बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन हुआ। इस योजना के तहत बिहार के 58 लाख कार्ड धारकों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब तक बिहार में 1,624 करोड़ रुपए खर्च गरीब परिवार के मुफ्त इलाज के लिए किया गया है। इस योजना के लाभ से 13,22,000 लोगों का इलाज हो चुका है। बिहार में कुल 1.79 करोड़ राशन कार्डधारी परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं। बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है। अब तक 1,21,00,000 परिवारों के लगभग 30,60,00,000 पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। 70 साल या उससे अधिक उम्र वाले लगभग 50 लाख लाभार्थियों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। बिहार में 20 अगस्त से शुरू हुआ जमीन सर्वे अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि कई लोगों को कागजात तैयार करने में समस्या आ रही थी, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे प्रक्रिया रुकी नहीं है बल्कि लगातार जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि हमने सभी विभागों से विचार विमर्श कर लिया है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो और रैयत कागजात उपलब्ध करा सके। ये फैसला उन रैयतों के लिए लिया गया है जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है ताकि वे समय पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। आज उस भारतीय कवि की 116वीं जयंती है जिसकी कविताओं में एक तरफ अंगार बरसता था तो दूसरी तरफ प्रेम सुधा की वर्षा होती थी। उन्होंने प्रेम, क्रांति, ओज और विद्रोह को समानांतर रखकर अपनी कलम चलाई। उनकी रचनाएं भले 100 साल पुरानी हो लेकिन प्रासंगिक आज भी उतनी ही है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को आज ही के दिन बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। वही इस अवसर पर बेगूसराय स्थित उनके पैतृक गांव दिनकर ग्राम में दिनकर उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगकर ने उद्घाटन किया। राज्यपाल ने राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की रचनाओं को भारत के लिए पथ प्रदर्शक करार दिया। वहीं उनकी जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उन्हें नमन किया।
बिहार में बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों में फसल क्षति का आकलन जो है शुरू हो गया है। कृषि विभाग ने सभी जिला कृषि अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है ताकि प्रभावित किसानों को तुरंत सहायता मिल सके। इसमें खाद्यान्न फसलों के साथ साथ मौसमी फल और सब्जियों की क्षति का भी आकलन किया जाएगा। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि खड़ी फसल के नुकसान के लिए सहायता के साथ साथ अगली फसल की बुआई में भी विभाग मदद करेगा। इस दिशा में कृषि भवन मीठापुर में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। वहीं नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कृषि विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं प्रभावित इलाके में कृषि विभाग के कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बिहार के नदियों के उफान पर ब्रेक लग गया है। हालांकि कई स्थानों पर जलस्तर में मामूली वृद्धि देखने को मिली है। पटना में गंगा, पुनपुन और सोन का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन कोसी और बूढ़ी गंडक का जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है। राज्य में गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने की खबरें भी सामने आ रही है। वही नेपाल और पड़ोसी राज्यों में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने से बिहार की नदियों को कुछ राहत जरूर मिली है। खासकर सोन नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक से नीचे आ गया है, लेकिन वही सोन और पुनपुन का पानी गंगा में तेजी से मिल रहा है, जिससे कई स्थानों पर जलस्तर बढ़ रहा है। फरक्का बराज और अन्य स्थानों पर गेट खोलने से नदियों में जलस्तर में जो है कमी आनी शुरू हो गई है, लेकिन गंगा का जलस्तर फरक्का में छठे दिन भी बढ़ रहा है। पश्चिम बिहार के मुंगेर और भागलपुर में जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जबकि पटना में कुछ स्थानों पर जलस्तर में कमी आई है। बिहार के समस्तीपुर जिले में उत्तर बख्तियारपुर और ताजपुर के बीच बन रहे 6 लेन गंगा महासेतु का एक हिस्सा बीते दिन गिर गया। घटना शाहपुर पटोड़ी के नंदनी लंगूनिया रेलवे स्टेशन के पास हुई। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिससे पुल निर्माण में लगी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के कामकाज पर सवाल भी उठने लगे हैं। कंपनी के मैनेजर ने बताया कि स्लैब में गड़बड़ी के कारण ये गिरा। वही स्लैब गिरने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है, एक दूसरे पर जमकर आरोप लग रहे हैं। राजद के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि उनका मंत्रालय भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर निगरानी रखी जा रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में चल रहे विकास कार्यों की तारीफ करते हुए गंगा पर पुलों के निर्माण का उल्लेख किया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान वीडियो या रील्स बनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बता दें कि हाल ही के दिनों में इस तरह के मामलों में वृद्धि के बाद पुलिस ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों पर नजर रखें। वहीं ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाने पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये भी बताया गया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी निलंबित नहीं है तो उसे 24 घंटे ड्यूटी में माना जाएगा। इस आदेश के तहत अब पुलिसकर्मियों को अपनी कार्यशैली को सुधारने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि समाज में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। पटना जिले में आज से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। 23 से 25 सितंबर तक जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाना है। वही जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने निर्देश दिया है कि सभी SDO और BDO इस विशेष अभियान में 100% योग्य लाभार्थियों का कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी लें। इसके तहत राशन दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कार्ड बनाए जाएंगे। प्रखंड विकास अधिकारी अपने स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर योग्य लाभार्थियों को शिविर तक लाने का अनुरोध करेंगे। इसके साथ ही प्रखंड के वरीय पदाधिकारी इस अभियान की निगरानी करेंगे और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी BDO की मदद करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना गया डोभी पथ का निरीक्षण किया। वही सीएम नीतीश कुमार बिहार के जहानाबाद पहुंचे, जहां आरओबी का निरीक्षण किया। साथ ही कल्पा पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान अन्य विभागीय योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया गया। वहीं लाभुकों को लाभ वितरण करने के बाद तालाब के निरीक्षण कार्यक्रम में भी सीएम नीतीश कुमार ने भाग लिया है।
बीते दिन संजय गांधी जैविक उद्यान में विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गैंडों की संरक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि पटना जू में गैंडों की संख्या 5 से बढ़कर अब 13 हो गई है, जो कि देश के किसी अन्य जू में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य गैंडों की संख्या को 22 तक पहुंचाना है। उन्होंने अमेरिका के सेंट डियागो जू का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां गैंडों की संख्या 50 से घटकर 15 हो गई है, जबकि पटना जू ने बेहतर रखरखाव के कारण इस क्षेत्र में उत्कृष्ट हासिल की है। इस अवसर पर मंत्री ने गैंडा जंबो की प्रशंसा की और नवनिर्मित पक्षी फेज का भी उद्घाटन किया। गया जिले के अमस थाने के थानेदार इंद्रजीत कुमार का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी और शेर घाटी के बीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार को अभद्र भाषा में गालियां दे रहे हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी आशीष भारती ने जांच का आदेश दिया, जिसे शेर घाटी एएसपी शैलेंद्र सिंह ने संभाला है। जानकारी के मुताबिक बीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष अनिल की 14 सितंबर को बाइक चोरी हो गई थी, जिसके बाद जब थाने में कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने थानाध्यक्ष से जानकारी मांगी। थानेदार की अभद्रता और गालियों की वजह से मामला और बढ़ गया। एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए थानेदार इंद्रजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव की हुई है। शिव, जो बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज से 15-21 बैच के डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डॉक्टर शिव ने बताया कि उनकी माँ ने 2020 में नालंदा के हरनौत विधानसभा सीट से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। हारने के बाद उसने ये पैसे वापस लाने का प्लान बनाया और अपनी मां को फिर से चुनावी मैदान में उतारने का लक्ष्य रखा। साथ ही संजीव मुखिया एक बड़ा गिरोह चलाते हैं, जो न केवल बिहार बल्कि झारखंड, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और एमपी में एक्टिव है। ये गिरोह हर बहाली पर पेपर लीक करने में जुट जाता है और इसमें 2 दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। भारत ने बांग्लादेश को चेन्नई के पहले टेस्ट में मात दी, जिसमें भारतीय टीम का पीसीटी बढ़कर 71.67 हो गया और वे नंबर 1 पर बनी हुई है। बांग्लादेश को नुकसान हुआ है और उसके पीसीटी में गिरावट आई है। इसी बीच श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। श्रीलंका का पीसीटी 50.00 हो गया है, जबकि न्यूजीलैंड अब चौथे स्थान पर है, जिसका पीसीटी 42.85 है। अगले मैच में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा, जिसमें अगर भारत जीतता है तो वे अपनी लीड को और बढ़ा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, गोनर शर्मा, वैद्यनाथ ठाकुर, अंशुल कुमारी, कोमल कुमारी, विकास कुमार, सादुल्ला पलवी, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, विनोद महात्मा, संजीव कुमार, नौशाद रजा, मोहम्मद खालिद, अनवर करीम खान, अरविंद सिन्हा, कुमार मोहन। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, अगर आपको किसी एक चीज में माहिर होना होता तो वे क्या होती? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।